मम्मी आदमी करती होती तो फिर बंगला में कायरा थी। तो पैसे बहुत दूर से मिलने आई है हिमाचल से, तो बोले कि अब की बार हम फिर तुमसे मिलने आए हुए। तो ये का बोले वैसे बोलो। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आपको स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो सुबह के बज रहे हैं 6, वो भी 5 मिनट कम है 6 बजने में। तो आज हम और ये कौन फ्रेंकी दीदी, हम और फ्रेंकी दीदी दोनों लोग जा रहे हैं कहाँ, अरियारी। तो हम अपने गोलू मामा को इंतजार कर रहे कि वे आ जाएं, तो भैया उनके संगे हम लोग जा रहे हैं। तो देखो भैया अब कहाँ मिला थे हम लोगों को। ये हम लोग निकल आए, हम फ्रेंकी दीदी जब रास्ता ख़राब होती जब जैसे भैया गोलू मामा बोले कि तुम लोग नौली के बाहर मिलो। तो अब हम लोग पैदल चल रहे जिनसे मिल तक जाइए तभी वहीं पे मिल जाइए। कैसे हैं दीदी? हाँ, हम लोग घुसे हैं घनघोर जंगल में। देखो जे बन गई बहू की कोई हमें पहचाने ना। हाँ चुपा है, कहते चुपा रहो चुपा रहो, कोई नहीं जाने चलो। वैसे कहते हैं कोई जान पाई है, देखो कैसे करके घूमन में जा रही। हाँ सवेरे सवेरे सड़क पर झाड़ू लग रही है और हम लोग घूमन जा रहे हैं। क्रेज देख रहे हो कितो आ रही है। हमारा तो गोलू मामा आए गए तो दिखा रहे तुम लोगों को, ठीक है। भैफियन के डॉक्टर है, सिलेंडर उनकी गाड़ी में चला थे ऑक्सीजन वालों। तो आज हमें लगा बदल के गाड़ी ले आए, कल कह तो रहे थे कि यहाँ बदल के ले आए गाड़ी, ठीक है। तो देखो मामा आए गए जी, देखो तुमने खूब चलवाए दार, तुमने तो पैदल भजवाए मारो इतने में तो हमारे यारू पहुँच जाते बरा रहे थे। तो ये मामा आए गए हैं, बैठ रहे हैं हम लोग। बैठ संगी जी, तुम बैठो, बैठ गई। चलो सर को इतने में आए थे हम, आए थे जो। तो हम लोग बैठ गए, मामा डिग्गी लगाए गाड़ी में, पंजा टांगे हमें टूट ना जाए कहूँ। तो भैया हम लोग चल रहे, अब पहुंचे हैं अरियारी, तब भी मिले हैं सीधे। तो ये जो देखो अरियारी गांव में हम लोग घुस चुके हैं, जिन भैया जो पानी आनी डरो है बहुत खराब हो रही सड़क अड़क, जो अरियारी गाँव है देखा। चलो भैया हम दिखा चल रहे हैं, तुम भी मैं कह रहे हैं। तो हम लोग जा रहे हैं राधा दीदी के घर पे। तो आप लोग देख सकते हैं ये उनके घर की रास्ता है। तो हम लोग अभी यहाँ से निकलेंगे, तो अभी उनका घर हमें पता नहीं है कहाँ पे है, देख रहे हैं। तो हम लोग चलते ही जा रहे हैं, सड़कों खराब है पानी की वजह से। तो ये राधा दीदी के घर के लिए रास्ता है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि उनका घर कहाँ पे है, जो ही है फुलवा। तो हम लोग पहुंच चुके हैं राधा दीदी के घर पे। तो ये हमारे साथ जा रही है सेंकी दीदी, तो हम चलते हैं अंदर। भैया उनके घर पे तो कोई है को है, हमें लगे चाय पी रही है। हम लोगों ने सवेरी दावा बोल दा हुआ है कि झाड़ू लगाए नहीं दोनों आतन से। देखो हाय हेलो करो रश्मि। रश्मि तो रश्मि है भाई, बहुत अच्छो नेचर है रश्मि। ये लोग भी बैठे हैं भैया पहले से। ये देखो भाई कहाँ से आए आप? हाय, अरे हम का वीडियो बनना आपका, कहाँ से आए आप भाई? देखो रश्मि से मिलने आए, वो भी हिमाचल से, ये और ये दीदी हैं शायद, आप भी हिमाचल से। वाह, बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं। तो भैया ये दीदी इनसे बहुत दूर से मिलने आई हैं हिमाचल से। तो देख रहे हैं कैसे करके ये लोग लड़ रहे हैं, बस करो यार। दीदी भी वहाँ बैठी हैं, ये मामा भी बैठे हैं, ये रश्मि लड़ रही थी, लड़ाई होगी दीदी से। तो ये भैया भी बैठे हैं, तो ये तो देख सकते हैं कितने दूर दूर से लोग आ रहे हैं इनसे मिलने। दीदी बोल रही है इनसे सेकंड सच में रुका कर रही रश्मि, यार तुम बैठन नहीं दियो। देखो अरे आजू का कर रही। देखो अरे यार हमने कहीं नीचे समेट दो पानी भरवा दो मेहमानों को स्वागत। बिल्कुल सही बात है, देखिए होली पे आए थे बदला निकाल रहे हैं हमें। अब बैठ जाओ, लो स्वागत बिछाऊ दो आराम से कि अब बैठ जाओ। अरे मैया अच्छा, कुत्ता चप्पल ले गो गिन की ले गो ले चप्पल ले गो कुत्ता रश्मि की। तो राधा दीदी तो मिली नहीं घर पे भैया, वो बाहर हैं। तो कभी मौका मिलेगा तो उनसे भी मिलेंगे।
कमेंट नहीं करना चाहिए। मतलब देखो कि अगर मतलब राधा दीदी ऐसी होती तो जो गरीबी नहीं देखती हूँ, बिल्कुल सही बात है, भी नहीं देख लोग तो जो गरीबी ऐसे छप्पर अप्पर नहीं देखती। पति करो पति करो, अगर मेरी मम्मी आदमी करती होती तो फिर बंगला में खाए रहती, तो पैसा वालों करती और चली जाती हम लोगों को छोड़ छाड़ के। भाई तो कह रहे ऐसे मतलब गुजारा नहीं करती, तो झुपड़ी हम खाए रहती। तो देखो भैया सुनो रश्मि के मुंह से बात तो सही कह रही है, अच्छा हो जाए थोड़ो तो इंसान के खराब लगन ना, तो भी उल्टी ही कमेंट ज्यादा। और एक चीज और होती है कि मतलब इंसान को सच्चाई पता होती है, हम सच्चे बताएं कैमरे में, ठीक है, मगर जिसने सच्चाई नहीं देखी वो कमेंट्स करने वाले गंदे गंदे ही कमेंट्स करते हैं कि ऐसा तुम्हें बहुत पता है, तुमके पूछ के आई हो इसके बारे में ऐसी वैसी कि तुम उसके घर पे रहने लगो नहीं, और फिर हम लोग आए उनके बोलने से पता चल रहा कि वो कैसी है, भाई तो वो कैसी है। हाँ इनका सच में नेचर बहुत अच्छा है, आप लोग गलत कमेंट करते हैं वो ना करें। और हमें तो भाई हाँ। भी नहीं है कि हम कोई चैनल चला रहे, हम तो ऐसे ही फ्रेंड से मिलने आए इनसे, शिवानी के ऐसी बात नहीं, और सपोर्ट करते सपोर्ट नहीं करते तो शिवानी कैसे आगे बढ़ जाती जी बताओ अब हमें। लेकिन अब जे शिवानी से ज्यादा हम राधा दीदी के प्यार दे। वैसे तो मसीन से मिल चुके हैं, बात भी कर ली है, भैया नेचर बहुत अच्छा है इनका, तो चलो हम आपको इनका घर दिखा दे राधा दीदी का। तो ये पता नहीं मंदिर है तो यहाँ फूल वूल लगे हैं, तो चलो बैक कैमरे से देखो। तो ये राधा दीदी का घर है, ये भैया अंकल जी सुबह से आज पी रखी है इन्होंने, तो इस वजह से आज ये बहुत गाने गा रहे हैं। तो ये राधा दीदी घर है, तो ये हरे भरे फूल वूल लगे हैं तो आप लोग देख ही सकते हैं। और भैया ये झोपड़ी है, इसमें तखत रखा हुआ है, बाकी वो आपने इनका घर देखा ही होगा वीडियो में। ये देखो एक कमरा ये है, और ये लोग तो सामने बैठी हैं, दीदी दीदी वगैरह रश्मि भी बैठी है, तो ये हमें लगता है बाथरूम है शायद, कैसे करके इन्होंने पन्नी से कर रखी ऊपर, इस पर भी रख के हैं। तो ये कमरा है, लेकिन रश्मि कल मम्मी से मिलने गई थी इसलिए वो अपनी चाबी वहीं पे भूल आई है, तो अभी इसमें ताला लगा हुआ है। वैसे वो मम्मी के साथ ही रहती है, केवल दिन में यहाँ पर आ जाती है। तो और ये सब लोग बैठे हुए हैं, एक वो सामने कमरा है, अभी वो लेगा कमरा की मम्मी के पास भूले आए। तो अब जब खाना ना कैसे बने है? अपनी सहेली घर है, खात कर वहीं खाई है, अच्छा। वहीं रहता हूँ, वहीं तो ऐसे झाड़ू वाड़ू लगाना है। अच्छा अब मेरे फोन नहीं छुटा लेंगे? हाँ। फोन को छुटा लेगा मेरे सोनू भैया और पति देव सूरज। अच्छा छिनाओ तो नहीं ना, तो कही उन्ने थी कि फोन छिनाओ फोन छिनाओ, लेकिन जब आप गला की मम्मी होती तो बात अलग है, अंदर आ सका, लेकिन जब जी अकेली है तो अरे भैया संपर्क कर यू हमसे, आओ छत तक घुमाए हुए ऊपर तक ना फेंके नहीं वीडियो देखो सपोर्ट करो ना, खूब आगे बढ़ाओ ना, फेमस ही कर दो आप लोग, आप ही लोगों के हाथ में है ना, फेमस कर दो, तो क्यूट सो चेहरा है भैया दिखाए दो। तो भाई साहब मेरे भी वीडियो देख लो, हमारे वीडियो में कांटे नहीं लगे हैं यार, कि जो लाइक कर दोगे तो भाई चुप जाएंगे हैं रश्मि का, एक किल का ही तो करने है वो कर दियो। हमने रश्मि से मिल लिया है, तो संगी दीदी की हो रही है लेट क्योंकि जेफ जग गया है घर पे, तो अब हम लोग जा रहे हैं घर पे, तो अब आप लोगों से मिलेंगे घर पे पहुँच के। तो ये रश्मि चलो हम चलते हैं, दीदी आ जाओ आप भी, ये तो ये दीदी है, तो ये बहुत दूर से आई है, तो ये भी इनकी भी ट्रेन है, तो ये भी जाने वाली है। रश्मि कुछ कहना चाहेंगे हमारे वीडियो में आप? हाँ क्यों नहीं बोलो भैया, दीदी जा रही है मिलकर बहुत अच्छा लगा है, तो आप लोग खूब इनका सपोर्ट करियो, लाइक सब्सक्राइब करियो। दीदी नहीं पहले तो भैया समझे थे, अच्छा अब कन्फ्यूजन दूर हो गया। तो भैया खूब सपोर्ट करियो दीदी का, और खूब ज्यादा आगे बढ़ाओ इन्हें भी, ब्लॉग देखो जाके कह दो मेरे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लेना, कमेंट कर देना, चलो पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।